मलदैया स्थित श्री नीलकंठ महादेव और श्री शिरडी साई बाबा मंदिर के वार्षिकोत्सव पर भक्तों ने रक्तदान किया। मलदैया स्थित श्री नीलकंठ महादेव एवं श्री शिरडी साई बाबा मंदिर के 12वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित दो दिवसीय साई उत्सव के अंतर्गत प्रथम दिन रक्तदान, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर व आयुष चिकित्सा के अंतर्गत नाड़ी परीक्षण उपरांत औषधि वितरण किया गया। आयोजन में लगभग 75 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवा वितरित की गई। आयोजकों ने कहा कि मंदिरों में अपने इष्ट देव को जलदान, धनदान एवं पुष्पदान की परंपरा से अलग हटकर विगत 7 वर्षों से इस परंपरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग स्वेच्छा से अपना रक्तदान करते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, जिससे रक्त किसी जरूरतमंद को काम आ सकता है। इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि काशी के प्रथम नागरिक अशोक तिवारी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी क्षेत्र महेश चंद श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक रजनीश कन्नौजिया व कार्यक्रम में प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, रामभजन अग्रहरी और श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय रक्त बैंक की टीम मौजूद रही। विगत 11 वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम सब शिरडी साईं बाबा पार्क की शोभा यात्रा निकलती है, उसका ये 12वां वर्षगांठ मना रहे हैं। उस अवसर पर हम लोग दान की परंपरा से जुड़ के मंदिरों में अपने इष्ट देव को जिस तरीके से पुष्पदान, फलदान, अन्नदान करते हैं, बाबा को ये रक्तदान की हमारी परंपरा है। और ये हम लोग यहाँ बाबा के श्रद्धा भाव से यहाँ लोग इकट्ठा होकर के स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले वर्ष भी लगभग हम लोगों ने 65 यूनिट रक्तदान किया था, आज भी हम लोग अभी तक 35 यूनिट के ऊपर रक्तदान कर चुके हैं। 51 से 60 का लक्ष्य हम लोगों का है। निश्चित ही बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आसपास के जो वंचित लोग हैं, जो लोग अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित होकर के निःशुल्क कैंप में दवा का अपना प्राप्त कर रहे हैं। ये दवा वितरण का कैंप है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए और आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए जो विभाग हैं, उन लोग यहाँ पर काढ़ा, च्यवनप्राश, ये सब निःशुल्क वितरण हो रहा है। निश्चित ही एक अच्छा प्रयास है कि कहीं ना कहीं गरीबों तक, असहायों तक उनका इलाज हो सके और उनको ये दवा मिल सके। कल प्रातः बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो तिलियाबाग, जगतगंज, लौराबीर के रास्ते होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण पर वापस आएगी। सायंकाल बाबा की महाआरती, महाप्रसाद और भंडारे का वितरण है। कुल कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम चलता है। बाबा के स्थापना दिवस पर हम लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ पर केक काट कर मनाते हैं। बच्चों को किताब, निःशुल्क पुस्तक इत्यादि का वितरण होता है। एक जनसेवा का काम है और यहाँ उपस्थित सभी जनमानस के प्रेरणा से, उनके सहयोग से